जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुहि लोक उजागर, जय बजरंग बली की। आज हम आए हैं बजरंगगढ़ के उस प्राचीन बजरंग बली के मंदिर पे जो किले में स्थित है। आपको बता रहे हैं, इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इस मंदिर की भव्यता प्रदान की जा रही है। पहले ये मंदिर थोड़ा प्राचीन है और आपको बता रहे इसकी मान्यता ही अलग है। और ये मंदिर की जो सुंदरता जीर्णोद्धार किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं चारों तरफ मंदिर कितना सुंदर नज़र आ रहा है। अब धीरे धीरे निर्माण चल रहा है, जब ये मंदिर पूरा बन जाएगा तो साक्षात ये मंदिर एक अपने आप में अनोखा और अदम्य एवं सुंदर होगा। में है बजरंग बली के सामने, और ये प्राचीन मंदिर है। करीब 600 वर्ष से हमारे साथ है पंडित जी राममोहन शर्मा जी, और उनसे जानकारी लेंगे इस मंदिर की भव्यता एवं उसकी मान्यता है। यह मंदिर का कितना साल पुराना मंदिर, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। आए जय श्री राम। करीब 600 साल वर्ष पुराना किला है। राजा जयसिंह द्वारा ये निर्मित किला है, और राजा जयसिंह जो है हनुमान जी महाराज की पूजा और आराधना करते थे। ऐसी किंवदंती है कि हनुमान जी महाराज जयराज जय सिंह को दर्शन दे दिए थे इन्होंने, तो उनका नाम हटा करके जयनगर का इन्होंने बजरंगगढ़ कर दिया था, तभी से इसके नाम से बजरंगगढ़ के नाम से ही जाना जाता है। अब फिलहाल में ये कला परिषद विकास न्यास के द्वारा ये मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, और उन्हीं के द्वारा ये पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया है और लगभग ये पूर्ण हो चुका है। थोड़ा सा और काम रहा है इसका, और ये काम चल ही रहा है। तो आप ये मंदिर की कब से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? मैं 30 साल से यहाँ से जीर्णोद्धार हुआ है उस जब से ही। देखिए महाराज जी बता रहे हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार जब से यहाँ पर पूजा हो रही है, करीब 25 साल से यहाँ पर महाराज जी पूजा कर अर्चना करा रहे हैं, और अब इस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। और ये राजा जय सिंह की समय का प्राचीन मंदिर है, और इसको बजरंगगढ़ बोलते हैं, क्योंकि बजरंगगढ़ इसलिए भी बोलते हैं इसको पूरे क्षेत्र को, क्योंकि ये महा बजरंग बली जी के नाम से ही इस पूरे क्षेत्र को बजरंगगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है।